अस्सलामुअलैकुम। यूरिया साइकिल क्या होता है, कहाँ होता है, किस तरह से होता है, आइए ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। यूरिया साइकिल द मेटाबॉलिक पाथवे व्हिच इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। ये मेटाबॉलिज्म का ऐसा रास्ता होता है, मेटाबॉलिज्म का ऐसा मेथड है जिसमें इंसानी जिगर के अंदर यूरिया प्रिपेयर कर दिया जाता है, यूरिया साइकिल कहलाता है। मेटाबॉलिज्म के जरिए यूरिया पैदा करने यूरिया साइकिल कहलाता है। ये किस तरह से होता है, इसके अंदर समरी देखना चाहे तो मजमूई तौर पर दो अमोनिया के मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तब जाके यूरिया और एक्सेसिव वाटर पैदा होता है। ये यूरिया एक्सक्रीटरी ह्यूमन प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट होती है इस टॉपिक के अंदर। इसके द्वारा हम मेथड को देखते हैं, ये चार स्टेप्स के अंदर मुकम्मल तौर पर तय पाता है। याद रखिए कि ये इंसानी लिवर के अंदर यूरिया साइकिल कंप्लीट होता है। नंबर वन, प्रीकर्सर सब्सटेंस क्या होती है। प्रीकर्सर सब्सटेंस वो शय है, मॉलिक्यूल है जो साइकिल को स्टार्ट करवाती है और साइकिल के एंड पे वैसे की वैसे अनयूज्ड बच जाती है, रिगेन हो जाती है, बार बार साइकिल को रिस्टार्ट करवाने के लिए रखती है, प्रीकर्सर सब्सटेंस कहलाती है। पहले स्टेप पर अगर आप साइकिल को देखना चाहें तो ऑर्निथिन इज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, ऑर्निथिन प्रीकर्सर सब्सटेंस होती है। ऑर्निथिन बाद से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करती है, तो एक अमोनिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड और प्रीकर्सर सब्सटेंस ऑर्निथिन मिलकर यह आपस में सिट्रोलिन मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेकिन सिट्रोलिन का मॉलिक्यूल बाद से एक और अमोनिया मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेता है और इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, इस अमोनिया मॉलिक्यूल में से सिर्फ नाइट्रोजन का हासिल, नाइट्रोजन लेना होती है ना कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो ये सिट्रोलिन इस अमोनिया या अमोनिया की नाइट्रोजन के साथ मिलकर आर्जिनोसक्सीनेट नामी केमिकल्स पैदा करते हैं। आर्जिनोसक्सीनेट बहुत जल्दी आर्जिनेट नामी केमिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जबकि इस आर्जिनेट नामी केमिकल के ऊपर आर्जिनेस एंजाइम रिएक्ट करता है। आर्जिनेस एंजाइम इस आर्जिनेट को दो सब्सटेंसेस में मेटाबोलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। नंबर वन, इससे प्रीकर्सर सब्सटेंस आर्जिनेथिन बनती है। ये वही मॉलिक्यूल है जिसने ये साइकिल स्टार्ट करवाया था और इस साइकिल के एंड पे ये फिर बन रही है, लिहाजा प्रीकर्सर सब्सटेंस है। जबकि आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेस रिएक्ट करके दूसरी मेजर सब्सटेंस यूरिया बना देता है, तो यूं जाकर इंसान के अंदर यूरिया साइकिल कंटिन्यू रहता है।